हाय दोस्तों, स्वागत है और एक नया व्लॉग में आप सबों को। अब हमारा बेटा बहुत खुशी है, तो जब खुशी है उसी वक्त में थोड़ा इसको नाखून काटेंगे। काफ़ी लंबा हुआ है, देखिए, दिखा बेटा दिखा, ये देखिए दोस्तों बेटे को। अभी फिर हम ये नाखून काटेंगे। ना नाखून ऐसे ही मारते, उसको नहीं पता, खुद गाल पर और उसके मम्मी पर, हम पर जब बैठते हैं तो थोड़ा दर्द लगते, एकदम शार्प है, देखिए, दिखा नहीं दिख रहा, हम दिख रहे लेकिन ये नहीं दिख रहा, ये देखिए। तो चलो अभी हम धीरे धीरे काट, वेरी गुड बेटा, साउंड देख रहा, उधर नहीं, इधर इधर, हाँ इधर, उसको मालूम पड़ गया, इसलिए तो काटने दे नहीं रहा है। दर्द होता है क्या? दर्द तो नहीं होता है। गुड बाय, अच्छे से काटते गुड बाय को। दोस्तों, मैं और हमारा भांजा शिवा प्रसाद इन्हें बफेला को चराने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं कुछ समय के लिए। पापा ने तक बोल दिया, हमारा शिवम बाकी को खोल रहे। चलो शिवा इसको। अभी सुबह का लगभग 11 बज गई है, तो और ज़्यादा समय होता ये लोग दौड़ते हैं, अभी नहीं दौड़ रहे, धीरे धीरे ही जा रहे हैं लोग। देखिए शुरू किया खाना। दोस्तों गर्म तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि धूप का बढ़ाव बहुत तेज़ी है, थोड़ा बहुत बादल है फिर भी धूप ज़्यादा है। इन लोग अपना आप आराम से खा रहा। तो आज हम ये जो भैंस को चराते हुए भी व्लॉग्स कर रहे हैं ना, ये वाला एक दिन जरूर इनसे बढ़ेगा और आप सब लोग को इसको इस इन वीडियो को मोटिवेशन के रूप में जरूर लेंगे। खुदा करे ऐसे ही होगा हमारे साथ। ये लोग देगा अभी कलर लगा रहे, धूप काफ़ी होने के बाद पानी में गिरता ही उठता है। ये लोग थोड़ा सा सताना शुरू कर दिया है कि एक जगह में तो नहीं रुक रहे, बापरे बापरे भाग रहे लोग, एक जगह में नहीं रुक रहे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल करा रहे। देखिए नीचे भी पाँव तो बहुत अंदर तक चले जा रहे, इसी घासों को अंदर। ए दोस्तों, ये जो है इसी घासों में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेहनत जो है, स्थिति जो है इसे लेकर जाता है, मजबूर कर देता है, मजबूरी से हम सब कुछ करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा एक साथ पास पास में है, लेकिन ये लोग ज़्यादा देर साथ नहीं रहते, लड़ते नहीं तो दूर चले जाते। दोस्तों अब मैं आ गया घर पे, तो मैंने पानी लिया और तो ये कवर लिया कि बाबू के लिए एक, मेरे लिए एक, और बाइक पे रख के चले जाते हैं। तो बाइक में रख के जाते हैं कि मैं जैसे कह ही रहा था, देखिए बारिश जो है कि उस तरफ से आ ही रहा है और इधर बारिश गिर रहा है। अभी तो फ़ोन में नहीं दिख रहा है, मतलब वीडियो में नहीं दिख रहा, पर चालू हुआ बारिश, तो चल पड़ा हूँ, बारिश भी आ रही है। घर जाके आने के अंदर ही ये लोग बस इसमें आ गया। हमारा जो बाबू है लड़का, वो तो डर रहा है इसके पास पास में आने के लिए, क्योंकि ये जो इस तरह भयंकर जंगल जैसे है ना, तो ये हमारा चाचा का है, उन्होंने उस जिस समय उसको जंगली घास को उठाने नहीं उठाए, तभी ये ऐसे हो गया है, इसलिए इसमें आने के लिए बच्चे लोग डरते हैं, सांप वगैरह रहते हैं बोल के। दोस्तों ये लोगों के साथ चलना तो मुश्किल है, पर चलना पड़ेगा। देखिए रास्ता बहुत अच्छा है, हाईवे जैसा ही है रास्ता, पर क्या करें, चलना रास्ता जैसे भी हो, मंजिल एक दिन तो आएगा ही आएगा।
फ्रेंड्स बारिश आवाज करते हुए आ रहा है, देखिए। अरे 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 फ्रेंड्स बारिश तो ज़्यादा हो गया, हम लोग को इतना सोचे नहीं थे। और ये लोग तो देखिए उधर है, बहुत मुश्किल है भाई इन लोगों को संभालना। तो बारिश होने के वक्त में इसमें आके इन बहफिलों को चराना, उन लोगों को उधर लेके जाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है, पर आसानी है। फिर भी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, उस तरफ से तो शुरुआत हुआ। तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इस तरफ से शुरू होते हुए उधर चला गया, उधर चले जाके इधर और इस तरफ भी गया था। लेकिन अब जो है कि इस तरफ से दोबारा चालू हो रहा है, इधर भी बादल गरज रहा है, तो ये आएगा। इस बीच में मैंने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाला, ऊपर से स्विच ऑफ भी किया क्योंकि बिजली कड़क रहती, तो कहीं मोबाइल को नुकसान ना हो इसलिए मैंने बंद किया। अक्सर बताया जाता है कि मोबाइल को बारिश बिजली कड़कने के टाइम में बंद ही रखना है, आप भी बंद ही रखिएगा अच्छा रहेगा। थोड़ा पहले जो बिजली भयंकर से कड़का तो हमारा बाबू भी डर गया, हम भी डर गया। देखिए इसलिए वीडियो करने का भी डर लग रहा है, मक्खी घुस के चटपट आ रही है ये। दोस्तों इधर का जो बादल था, सोच रहे थे कि बारिश तो इस तरफ काफ़ी आ सकता है हमारा इधर, लेकिन कुछ तो उधर से उधर बरसते 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 उधर ही चला गया, और हमारे इधर तो जो एक्सपेक्टेशन था और डर भी था नहीं हो पाया। बारिश होने से आने से अच्छा था, थोड़ा दिक्कत लग रही लगता था कि बारिश में, पर बारिश चाहिए था, खेत सूख रहे ना इसलिए। इन लोग तो अभी आराम से खा रहे हैं, लगभग 2:30। दोस्तों ये लोग तो आराम से खाना खा रहे हैं, लगभग अभी 2:30 बज गया, तो चलो हम भी। दोस्तों अभी खाने में मुझे मिला बैंगन का सब्जी और इसमें है टमाटर का रसम, टमाटर का सूप जो बोलते हैं, और चावल। खाना खा लिया और ये लोग भी खा के आराम से अभी सो गया। हमको लग रहा था कि ये खाना पूरा नहीं हुआ इन लोग, लेकिन पूरा खा के सो गया। कुछ देर के बाद उठेगा ये लोग दोबारा खाने के लिए, अभी लगभग 2:30-3:00 बज रहे हैं जी, 2:30 बज रहे लगभग। दोस्तों इन भैंसों को उठा लिया हमने, उठ गए सब, और अभी नीचे की तरफ जाके खिलाते इसको। इन लोग तो अभी पानी पीने के लिए आ गया है, अच्छा बहन सारा उस जगह में आया जहाँ पे हमारा कुआं है। इस कुआं में देखिए काफ़ी सारा पंछी आके अपना अपना घोंसला बनाया। ये घोंसला भी इसका वैलिडिटी है सिर्फ 1 साल, नेक्स्ट ईयर जब इन लोग आएंगे यहाँ, नहीं नेक्स्ट ईयर जून उस समय में जब आएंगे, उन लोग को जो पुराना घर है उसमें नहीं रहेंगे, फिर नया दोबारा बनाएंगे। और ये जैसे सर्दियाँ ख़त्म होते होते इन लोग भी दिखता नहीं है, ये पंछियाँ कहाँ जाता है और अगला साल दोबारा आता है। इन लोग भी नहीं रुक रहे, कहीं तो निकल रहे, पता नहीं कहाँ निकल रहे, कहीं तो निकल रहे। इन लोग ऐसे आते हैं कभी कभी कि इन लोग ढूंढ ढूंढ के जा ही रहा, जितना भी घास है फिर भी एक जगह में नहीं खा रहा, जितना रुको उतना आगे ही चला जाता है, जहाँ नहीं जाने का तो वहीं चला जाता है। क्या बात है, क्या करें। यहाँ पे आराम से बैठे हैं और इन लोग तो खा रहे हैं, वहाँ पे हमारा बाबू बैठा और इन लोग जहाँ मर्जी घूम के खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे खेत में एक किस्म का पेड़ है, आप देख सकते हैं ये वाला, कि जैसे उसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे खेत में कुछ है कि जैसे मोरिंगो का जो चीज़ होता है ना कि खाने वाला, सब्जियाँ वगैरह सांभर वगैरह बना के खाते, वैसे ही है। देखिए ये पतला मोटा और उसको छोड़ के और भी मोटा, उसको छोड़ के और भी मोटा, आप देख सकते कि इसको तोड़ेंगे कि
कि देखिए, और ये जब पूरा पक जाता है तो इस तरह खाला बन जाता है। किसी बच्चों को क्या बड़ों को मारने से भी काफ़ी दर्द लगेगा, इतना भयंकर है ये। तो ये है कि हमारा यहाँ पे हम लोग खेलते हैं इसको बस, और किस चीज़ का किस काम का नहीं है, पर किसी देश में कहीं पे भी इसको अलग तरीके से इस्तेमाल करता होगा, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं मालूम, बस ऐसे ही पेड़ है। तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे मोरिंडा सिट्राफोला जो नोनी कहते हैं वो पेड़ है। तो ये सचमुच में वही फल लगने वाला पेड़ जैसे ही दिख रहा है मुझे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए ये वही है कि पेड़ जो सच में मोरिंडा सिट्राफोला जो नोनी कहते हैं वही है क्या, पता नहीं चल रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर इसके बारे में बताइए। बस अभी ऑलमोस्ट शाम हो रही है, देखिए सूरज भी चला गया, और अभी हम बफेलो को लेके घर निकलेंगे। और मोबाइल का बैटरी भी लगभग 8-9% ही है, थोड़ी देर में और पूरा ख़त्म होते जाएगा, घर जाके मिलते आप लोगों से। दोस्तों मैं पहुंच गया अब घर में, बेटा आराम से खेल रहे मेरे पास आके, क्योंकि सुबह से नहीं था ना घर में।